गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल कंस्ट्रक्शन में। दोस्तों, जैसे कि आपको थंबनेल से पता लग गया होगा दोस्तों कि आज मैं किस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। दोस्तों आज हम बात करने वाले रिटेनिंग वॉल के ड्राइंग के बारे में कि आपकी इसकी रिइंफोर्समेंट की जो ड्राइंग है दोस्तों आप कैसे रीड कर सकते हो इसके इसके जो आप देख सकते हो साथ में यहाँ पे एक बीप होल्स की डिटेल दी हुई है। दोस्तों इसमें आप देख सकते हो गैबियंस वॉल आपका क्या होता है, प्लम कंक्रीट क्या होता है। दोस्तों इस डिटेल के बारे में हम बात करने वाले हैं। साथ ही इसमें देखोगे आप रिटेनिंग वॉल के कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट इन रिटेनिंग वॉल, उसमें आप देख सकते हो रिटेनिंग वॉल कॉर्नर इन्फोर्समेंट की दोस्तों डिटेल के बारे में दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जो ये हमारी ड्राइंग है, ये हमारे पास क्या है, केंद्रीय विद्यालय समिति की एक ड्राइंग है। दोस्तों आज मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसकी रिइंफोर्समेंट के बारे में। आप देख सकते हैं जो फर्स्ट नंबर है हमारा पीपिकल रिटेनिंग वॉल सेक्शन डिटेल। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। तो जो आप ये वाला पार्ट देख रहे हैं, ये आप देख सकते हैं जो ये पार्ट है, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है 8 डाया @2 mm सेंटर टू सेंटर सीयर की। ये आपकी दोस्तों सीयर की प्रोवाइड किया, सीयर की दोस्तों क्यों प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपके जो रिटेनिंग बोलो स्लाइड ना हो दोस्तों, स्लाइड को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या सीयर की प्रोवाइड करते हैं दोस्तों। तो जो ये वाला पार्ट देख सकते हैं दोस्तों हमारा, ये यहाँ ये देख सकते हैं ये अर्थ आ गया। अर्थ के बाद उन्होंने दोस्तों क्या है PCC की है, PCC 1:4:8 का, मतलब कि जो आपका ग्रेड होता है कंक्रीट का M7.5 का जो रेशो होता है 1:4:8 होता है दोस्तों। उसके बाद मैं आपको बात करूंगा जो आप जितने भी आपने मान लो दोस्तों इसका जो बेस स्लैब है, जो आपकी बेस स्लैब का जो साइज कितना दिया हुआ है आप देख सकते हैं 3400 mm दिया हुआ है। जब इसकी आप एक्सकवेट करोगे, जब इसकी आप खुदाई करोगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने 100 mm एक्स्ट्रा लिया हुआ है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये आपकी इन्फोर्समेंट की यहाँ पार्ट आई है, यहाँ से लेके 100 mm एक्स्ट्रा इन्होंने PCC की हुई है, सेम इधर भी इन्होंने 100 mm एक्स्ट्रा PCC की हुई है दोस्तों। उसके बाद जो ग्राउंड लेवल से जो PCC का जो लेवल है दोस्तों उससे जो नीचे गए 600 mm नीचे है, और जो इसकी विड्थ है, विड्थ इन्होंने देखो दोस्तों 400 mm विड्थ रखी हुई है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जो ये पार्ट दिख रहा है दोस्तों इसको हम बोलते हैं टो स्लैब, और जो ये पार्ट दिख रहा है ये वाला इसको हम मैं लिख देता हूँ दोस्तों, इसको हम बोलते हैं टो स्लैब, ये आपका टो स्लैब हो गया। और दोस्तों जो ये पार्ट दिख रहा है आपको ये, इसको हम बोलते हैं हील स्लैब, हील स्लैब। और जो ये आपका जो वर्टिकल मेंबर दिख रहा है दोस्तों इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टेम, स्टेम बोलते हैं दोस्तों। तो चलिए एक एक करके मैं आपको रिइंफोर्समेंट के बारे में, इसके बारे में आपको बात करता हूँ। तो सबसे PCC हो गया दोस्तों, PCC के बाद आपकी यहाँ पे आगे आपकी जो बेस स्लैब है इसका जो टो और हील स्लैब की जो मैसेज की जो फुटिंग की मैसेज जो इसके बारे में। तो सबसे पहले मैं इसके बॉटम की बात करूँ तो बॉटम में आप देख सकते हो उन्होंने 12 डाया का प्रोवाइड किया है 100 mm सेंटर टू सेंटर, ये आपकी मेन बार है। और इसके अगर डिस्ट्रीब्यूशन बार की बात करूँ तो टॉप और बॉटम में सेमी डिस्ट्रीब्यूशन बार प्रोवाइड किया गया 10 mm डाया का 150 mm सेंटर टू सेंटर। बात करें दोस्तों इसकी टॉप मेन बार की तो इसमें भी 12 डाया का प्रोवाइड किया गया 100 mm सेंटर टू सेंटर दोस्तों। तो ये आपकी जो टो स्लैब की जो लेंथ है ये 800 mm है, और ये आपकी जो हील स्लैब की है 2200 mm है दोस्तों। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ तक तो आपका दोस्तों ये रिइंफोर्समेंट आ गया। उसके बाद अगर मैं ऊपर चले दोस्तों यहाँ तक देख सकते, ये आपका एडजस्टिंग बेड लेवल आ गया, जो आपका सॉइल का जो बेड लेवल आ गया एडजस्टिंग बेड लेवल एक्चुअल लेवल रेफर सर्वे प्लान। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं जो आपका एडजस्टिंग बेड लेवल से लेके जो 1300 mm है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1300 mm तक जो रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड की गई है, जो मेन बार प्रोवाइड किया गया दोस्तों ये 16 डाया का @125 mm सेंटर टू सेंटर। और जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है, जो जितने भी आपको ये सर्कल से दिख रहे हैं ये डार्क सर्कल से, ये आपकी डिस्ट्रीब्यूशन बार है दोस्तों, ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन बार है जो 16 डाया का प्रोवाइड किया गया 250 mm सेंटर टू सेंटर दोस्तों। उसके बाद आप देख सकते हैं 1300 mm के बाद जो इसकी रिइंफोर्समेंट दोस्तों फिर चेंज हो गई है, ये जो यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है, जो मेन बार है 16 डाया का 250 mm सेंटर टू सेंटर है, और 1300 से नीचे था जो हमारा 16 डाया का 150 mm सेंटर टू सेंटर था। तो उसके बाद इसके बाद जो 1300 के बाद आप देख सकते हैं जो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बार है
8 डाई का प्रोवाइड किया दोस्तों इन्होंने 200 mm सेंटर टू सेंटर दोस्तों। ये आपकी कहाँ ग्राउंड जो एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल से लेके आपकी यहाँ तक ये 3800 mm है दोस्तों, मतलब 3.8 मीटर आपकी यहाँ तक आ गई दोस्तों। उसके बाद ये यहाँ से लेके 1000 mm तक ये आपकी पैरापेट वॉल आ गई दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं लिखा गया है पैरापेट दोस्तों। तो नीचे की जो आपकी जो विड्थ है ये 400 mm है और जो टॉप में आके आपके दोस्तों यहाँ पे 100 mm होगी, सेंटर में आपका ये 200 mm आ गया दोस्तों। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ दोस्तों मैं आपसे पूछूं कि जो ये आपकी रिटेनिंग वॉल आप देख रहे हो तो ये इस कौन से टाइप्स की रिटेनिंग वॉल है दोस्तों, ये है हमारी कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल है दोस्तों, ये चीज़ हमारी कैंटिलीवर रिटेनिंग बोल है। तो ये आपके दोस्तों ये आपके तो इन्फोर्समेंट की आ गई, बात करेंगे इसके बीप होल्स के बारे में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये सेमी पैटर्न आ गया आपका, 400 mm बिड़ता आ गया आपके दोस्तों, ये 100 mm जो आपका एक्स्ट्रा लिया हुआ था इन्फोर्समेंट, तो जो एक्स्ट्रा ले रखा था 400 mm। बात करें इसकी जो थिकनेस है दोस्तों, तो आपकी बेस स्लैब की जो टोटल जो थिकनेस है या हाइट कह सकते हैं 400 mm है, ये 400 mm। उसके बाद यहाँ से देख सकते हैं आपको 500 mm जो एग्जिस्टिंग बेड लेवल था कि आपकी 500 mm हाइट आ गई है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ दोस्तों ये चीज़ देख सकते हैं ये सेम ही आ गया दोस्तों, 2200 mm आपकी हील स्लैब आ गई, 800 mm आपका टो स्लैब आ गया। उसके बाद ये बीप होल दिया हुआ है दोस्तों, ये चीज़ इसका क्या है, बीप होल 100 डाया का दिया हुआ, यानी 4 इंची डाया PVC पाइप 1500 mm सेंटर टू सेंटर इन्होंने स्टैगर्ड शेप में दिया हुआ है दोस्तों। स्टैगर्ड की मैं बता देता हूँ दोस्तों, जैसे यहाँ पर इसका प्लान शो किया हुआ है, तो ये एक बीप होल आप देख सकते हैं ये है, दूसरा बीप होल दोस्तों ये है, तो इसके सेंटर से इसके सेंटर तक जो डिस्टेंस है ये 1500 mm है। दूसरा आप देख सकते हैं इसके सेंटर से इसके सेंटर जो है 1500 mm, मतलब स्टैगर्ड बीप होल का मतलब वो है दोस्तों कि आपको एक लाइन में नहीं दिखेगी, मतलब एक जिग जैग की तरह आपको दिखेगी, जैसे एक आपको यहाँ दिख गई, एक यहाँ दिख गई दोस्तों, एक यहाँ दिख गई, ये आपको जिग जैग शेप में दोस्तों दिख जाएगी। बाकी आप यहाँ देख सकते हैं ये वेल कंपैक्टेड अर्थ फीलिंग, इस तरफ आपकी फीलिंग आ गई, आपका ग्रेवल यूज़ किया गया है दोस्तों, ये चीज़ ग्रेवल यूज़ किया गया है दोस्तों। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसमें कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 500 mm विड्थ का उन्होंने प्लम कंक्रीट M15 ग्रेड का यूज़ किया गया है, और 1000 जो इसकी जो विड्थ है 1000 mm का गैबियन बोल बोल्डर विद वायर मेस यूज़ किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों इसके बारे में पहले आपको मैं एक थ्योरी बताता हूँ कि ये प्लम कंक्रीट आपका होता क्या है दोस्तों और क्यों यूज़ करते हैं। तो जैसे कि जो प्लम कंक्रीट होता है हमारा, इट इज़ मेनली यूज इन मास कंक्रीटिंग ऑफ फाउंडेशंस, डैम्स, रिटेनिंग वॉल्स, वेयर द क्वांटिटी ऑफ लेवलिंग वेयर द क्वांटिटी ऑफ लेवलिंग कोर्स मे बी एक्सट्रीम ड्यू टू स्ट्रेटा स्टीप स्लोप। मतलब ये कह रहे हैं दोस्तों जहाँ पे आपकी जो अर्थ है, मतलब जो सॉयल है जो स्लोप फेस में, तो उसको दोस्तों क्या करता है एक लेवल करने के लिए, जैसे कि आपका जैसे यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे क्या है एक अलग लेवल अलग था, यहाँ पे इसको एक स्लोप करने के लिए, इसको क्या दोस्तों एक लेवल करने के लिए ये प्लम कंक्रीट यूज करते हैं। तो जो साइज यूज होता है दोस्तों, साइज ऑफ स्टोन यूज इन प्लम कंक्रीट अप टू 300 mm तक यूज होता है। प्लम कंक्रीट को दोस्तों हम क्या कहते हैं, साइक्लोपियन कंक्रीट भी कहा जाता है दोस्तों। और यूज क्यों करते हैं इसको, इट इज यूज टू अटेन द रिक्वायर्ड सरफेस लेवल बिलो द फाउंडेशन एंड फुटिंग। मतलब कि एक, तो दोस्तों हम क्यों यूज करते हैं, एक रिक्वायर्ड सरफेस अटेन करने के लिए हम प्लम कंक्रीट को यूज करते हैं दोस्तों। तो ये आपकी M15 ग्रेड होगी दोस्तों। इसका जो रेशो होता है दोस्तों, बात करें तो जो 40:60 का होता है लगभग दोस्तों, मतलब कि 40% आपकी क्या होती है स्टोन यूज होता है, 60% आपका कंक्रीट यूज होता है दोस्तों। बात करेंगे उसमें आपका गैवियन बोल्स बोल्डर विद वायर मेस, तो इसको मैं आपको पिक्चर में भी आप दिखा देता हूँ दोस्तों ये कैसा दिखता है दोस्तों। साथ ही मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। तो जो गैवियन बोल क्या होता है, इट इज मोस्टली यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, एम्बैंकमेंट, रिटेनिंग वॉल, स्लोप प्रोटेक्शन एंड वाटर बैरियर्स। मतलब वाटर बैरियर्स मतलब कि जो आपकी स्लोप है, स्लोप को प्रोटेक्शन करने के लिए आपकी गैबियंस वॉल यूज होती है दोस्तों इसमें। तो मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाता हूँ दोस्तों, इसका आप देख सकते हैं इसमें जैसा दिया गया है। उसके बाद थर्ड नंबर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट दिया, जो आपकी जो कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट है दोस्तों, ये आपकी ओल्ड कंक्रीट आ गई, ये रिटेनिंग बोल आ गया दोस्तों, यहाँ उन्होंने क्या सीयर की लिखा हुआ है, लेकिन ये दोस्तों एक कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट आ गया। तो इसकी जो कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट की आप देख सकते हैं जो क्या दे रखा है साइज, ये आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपका ये ओरिजोंटल 100 mm है,
और ये भी आपकी हॉरिजॉन्टल स्वैब है, जो बाकी इसकी जो थिकनेस देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे देख सकते हैं 150 mm इन्होंने थिकनेस दिया हो गया है, और जो बाकी जो बीच के पार्ट का जो आपकी विड्थ है ये आपकी 100 mm है दोस्तों, ये आपकी कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट आ गई है। तो बात करूंगा दोस्तों इसके कॉर्नर डिटेल की, जो रिटेनिंग बोल की कॉर्नर डिटेल की, तो जैसा कि आप देख सकते हैं जैसे एक रिन्फोर्समेंट दोस्तों आपका यहाँ से गया, उसके बाद आपका ये कंटिन्यू आपका दोस्तों ये चला गया, यहाँ एंड तक चला गया। उसके बाद दूसरी की बात करूँ दोस्तों, तो जो आपकी मेंस बार जा रही है, मेन बार आप देख रहे हो यहाँ इस फेस से आगे जो कॉर्नर का फेस है, यहाँ से 450 mm का इन्होंने एक्सटेंड किया हुआ है दोस्तों, मतलब ये 450 mm आपको मिनिमम रखना रखना है। उधर से भी सेम इन्फोर्समेंट आई आपकी, ये आपकी 450 mm यहाँ पे आके रुक गई है दोस्तों, यहाँ पे मतलब कि आपको यहाँ से इस फेस से लेके यहाँ इस फेस तक आपको 450 mm रखना है दोस्तों यहाँ पर। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आप ट्रेनिंग बोल को कैसे रीड कर सकते हैं समझ गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है दोस्तों तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं दोस्तों। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगली बार मैं फिर हाजिर हूँगा एक नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।